जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ लाइक फर्स्टोग्राम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और वो मतलब के अच्छे खासे हैं, मतलब के वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सेल्फ फाइनेंस का इंतज़ार कर रहे थे। तो यार मैं वीडियो उनके लिए लाया जो IUB में सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यार इसका क्राइटेरिया मैं आपको इसके अंदर सारा कुछ बताऊंगा, या जो जिस तरह एडमिशन वगैरह पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको सारी डिटेल में शेयर करूंगा। बाकी अगर आपने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलें यार अब मजीद इसकी तरफ चलते हैं। तो यार सबसे पहले जो आती है ना सेल्फ फाइनेंस, उसके अंदर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने जो पैसे पे करने हैं ना फर्स्ट टाइम, वो आपने सिर्फ सीड परचेज करने के करने हैं। मतलब कि जिस तरह हम बाजार जाते हैं 20 रुपए का या 30 की बोतल लेते हैं, तो हम लेके हम उसके मालिक बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल डी फार्मेसी की बात करता हूँ, इसकी इवनिंग की सीट में पिछले जो था सेशन उसके अंदर 3 लाख की थी। इस दफा में भी कोई 3.5 या 4 की ना हो जाए, क्योंकि फीसिस इंक्रीज हुई है, तो मे भी ये भी इंक्रीज कर दें। तो मॉर्निंग की 5 लाख की थी, वो मे भी 5.5 की या 6 की ना हो गई हो। तो मतलब कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने मॉर्निंग में करना है, आपने 5 लाख रुपया दिया डोनेशन IUB को सेल्फ फाइनेंस के लिए, तो वो उन्होंने अपने अकाउंट में जमा कर लेना है, तो उससे आपने सीट अपने रिजर्व करवा लेनी है, ठीक है। उससे आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, और उसके अलावा क्या कहते हैं बाकी प्लस आपने वो सीट आपने परचेज कर ली है, उसके बाद आपने ना मतलब के सेमेस्टर की फीस पे करनी है। लाइक वो हो सकती है 70 से 75 हज़ार रुपया मॉर्निंग की, इवनिंग की 1 लाख है पूरी। तो मतलब कि इस तरह करके ना आपने सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेना है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपने जाना है IUB, डॉक्यूमेंट्स लेके सारा कुछ लेके आपने अप्लाई करना है। अप्लाई में जैसे वो थोड़ी बहुत अप्लाई होती है, एडिटिंग वगैरह करती हैं सेल्फ एडमिशन करने के लिए। फिर उसके बाद मतलब कि एक मेरिट लिस्ट लगती है, मॉर्निंग की अलग, इवनिंग की अलग, सेल्फ की भी लगती है। और उसके अलावा फिर मतलब कि जब नाम आ जाता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं, उसके बाद आपने 5 लाख पे करना है। और अभी जिस तरह ये आर्ट्स के हैं, इनकी तकरीबन 1.5-2 लाख की होती है। लाइक इसके अंदर आ जाता है इंग्लिश, उर्दू वगैरह, CS की कोई 3-4 लाख की है। इसी तरह मुख्तलिफ प्राइजेज हैं, हर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ है। ये आपको सिर्फ एडमिशन सेल वाले बताएंगे कितनी है, किसकी कितनी है, और कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन 5 लाख से ऊपर किसी की भी नहीं है। मेन सबसे ज़्यादा डी फार्मेसी की डिमांड है, और उसी के ज़्यादा सीट्स वगैरह लोग लेते हैं, तो इसीलिए मुझे सी उनका प्राइस वगैरह पता थे। अच्छा मेन टॉपिक पे आता हूँ, आपने जब आपका नाम आ जाएगा, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने हैं, उसके बाद सबसे पहले वेरिफिकेशन करवानी है, पहले पैसे जमा करवाने 5 लाख, फिर 70 हज़ार अपनी सेमेस्टर फी, और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के, और एडमिशन वगैरह का जो प्रोसीजर है आम स्टूडेंट्स की तरह वो आपने करना है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपका एडमिशन हो जाएगा सेल्फ के ऊपर। लेकिन बेशक आपके नंबर कम भी हो तो आपका हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये रूल्स ऑफ रेगुलेशन लिखे हुए हैं, आप ये भी पढ़ लें, मतलब कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, क्या हिसाब है, किस तरह। और हर डिपार्टमेंट में यार 10 सीट्स होती हैं सेल्फ की, मतलब कि अब ये डी फार्म है इसके अंदर 10 सीट सेल्फ की लाजमी होंगी। हाँ ये ऊपर नीचे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे कम हैं अप्लाई करने वाले सेल्फ पे, तो वो फिर शफलिंग होती रहती है ऑन द स्पॉट मौके के लिहाज से। बाकी क्या कहते हैं ये सारी बात है। और उसके अलावा हाँ मेन जो बात है, अब जब नेक्स्ट सेमेस्टर होगा सेकेंड, मैं जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका, जो आपने 5 लाख पे करना है उससे सीट परचेज करनी है। जो सेकेंड होगा उसके अंदर जस्ट आपने एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह अब मॉर्निंग की फीस पे करनी है बस, और कर कुछ भी नहीं करना, मतलब कि बस और जो बाकी स्टूडेंट हैं नॉर्मल चल रहे होते हैं ऑन मेरिट बेसिस, वही आपकी ज़िंदगी होगी और उसी तरह आपने चलना है। और बस ये थोड़ी सी यार एक छोटी सी वीडियो थी सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, और ये इस वीक से मतलब कि 8 से ये मतलब कि ये सारा कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कि 8 से स्टार्ट हो गया होगा, मतलब कि इस वीक से काम शुरू हो जाना था सेल्फ का। बाकी इंशाल्लाह और भी जो आपकी क्यूरीज वगैरह हैं उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह अब आज या कल तक सारी वीडियोस क्लियर करूंगा, सारे कमेंट सेक्शन का आंसर दूंगा। बाकी अगर आपकी अभी भी कोई क्यूरीज वगैरह है तो बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। इसके अलावा एक दो वीडियोज और भी बनानी है फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर भी और सारा कुछ,
उसके बाद फिर मैंने कमेंट सेक्शन के ऊपर भी बनानी है, बस दुआ में याद रखिएगा।